गणेश गोदियाल पर भाजपा का निशाना। भाजपा मीडिया सेंटर में प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगराम ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये गढ़वाली गीत इन दिनों गाया जा रहा है, जिसके बोल है, मैं पहाड़ का रहने वाला, तू दिल्ली की निवासी। उन्होंने कहा है कि जबकि इसके विपरीत गणेश गोदियाल अपने शपथ पत्र में खुद यह कहते हैं कि मैं मुंबई का निवासी, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई में हुई है, मेरा कारोबार भी मुंबई में है। इसी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ऐसे में वो अपने आप को कैसे पौड़ी का बेटा कह रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा रविंद्र जुगराम ने। सैग रिपोर्टर जसपाल राणा के साथ देहरादून से डीसीबी न्यूज के लिए। जो गाना पौड़ी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी गाने का प्रयास कर रहे थे बेसुरे सुर में, कि मैं तू दिल्ली रहने वालू, मैं उत्तराखंड को प्रवासी, मैं पहाड़ को वासी, मैं रहवासी, ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अब जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है वो उसमें स्वयं कह रहे हैं गणेश गोदियाल जी, मैं मुंबई को रहने वालू, मेरी संपत्ति मुंबई माँ, मेरू धंधा पानी मुंबई माँ, मेरी गाड़ी को नंबर भी मुंबई को, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई की, मैं तो इनकम टैक्स को नोटिस आई वो भी मुंबई को। तो वो बोल रहे हैं कुल मिला के वो यही है कि मैं पढ़ा बला, शिक्षा दीक्षा, बिजनेस, गाड़ी नंबर, मेरा फ्लैट, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन शपथ पत्र में बोल रहे हैं। तो ये गाना आज से जो है वो उल्टा बजना शुरू हो जाएगा, जिसको वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं।